कई बार इंसान खुद को बलवान समझने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इंसान नहीं बल्कि समय बलवान होता है। कभी पूर्वांचल में खौफ का पर्याय रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी का वक्त अब बदल चुका है। आज से 17 साल पहले मऊ दंगों के दौरान जब एक खुली जीप में असलहा लहराता हुआ एक माफिया डॉन रोड शो कर रहा था, उसके चारों तरफ गुर्गे हाथ में हथियार लेकर उसकी जय जयकार कर रहे थे। एक वक्त था जब 786 नंबर वाली खुली जीप पर सवार मुख्तार जिस सड़क से गुजरता था लोग रास्ता बदल लेते थे। आज वही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद खौफ में है, उसकी नींद उड़ी हुई है। एक दौर था जब पूर्वांचल के लोगों में मुख्तार के नाम का डर हुआ करता था। मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। हथियार के बल पर डर और आतंक फैलाने के शौकीन मुख्तार जब चलता तो उसके गुर्गे असलहा लहराते हुए काफिले के साथ चलते हुए नजर आते थे। किसी की क्या मजाल थी कि उसके काफिले को रोकने की कोई जहमत कर सके। उसके गैंग का आतंक इस कदर था कि कोई भी गुंडा टैक्स या हफ्ता देने से इनकार करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुख्तार ने बेखौफ होकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया। शराब से लेकर रेलवे के ठेके तक सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए अपहरण और हत्याओं जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले जरा भी नहीं सोचा, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा बदला कि आज वो खुद खौफ के साए में जी रहा है। उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। इन सब के बीच लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसके दादा स्वतंत्रता सेनानी, चाचा उपराष्ट्रपति थे, फिर भी मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन बैठा। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभाउल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार के पिता सुभानउल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट नेता थे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने की थी। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता नौशेरा के शेर के नाम से मशहूर ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार के नाना थे। उन्होंने 1947 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की ओर से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को भी जीत दिलाई। इतना गौरवशाली फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। मुख्तार अंसारी पर अभी कुल 61 केस दर्ज हैं। मुख्तार के अलावा उसकी पत्नी अफशा और बेटे अब्बास पर भी क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी पर भी गैंगस्टर का केस है। वर्तमान में मुख्तार परिवार के 3 लोग जेल में बंद हैं। मुख्तार पर जितने केस हैं उससे कहीं ज्यादा दुश्मन है। चर्चा है कि अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी का नंबर है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये बयान है बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी का। 29 अप्रैल को गाजीपुर के MPMLA कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में फैसला सुनाया जाना है। इस दौरान मुख्तार को कोर्ट में पेश होना होगा। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद अब फोकस माफिया मुख्तार की ओर मुड़ गया है। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज किया गया है, लेकिन कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी पिछले 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। 1996 में BSP के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने वर्ष 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़ा और जीता भी। मुख्तार अंसारी का नाम सियासी अदावत से ही बड़ा हुआ और वो साल था 2002 जिसने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल BJP के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद
यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णनंद एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई और कृष्णनंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी सातों लोग मारे गए। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई। कृष्णनंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से यह मामला अपने नतीजे पर नहीं पहुंच सका। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द सजा दिलाने की है। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पर था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की मुख्तार से 17 साल पुरानी अदावत थी। आखिर क्या थी वो अदावत? दरअसल साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए तो मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था। आरोप है कि धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जमकर अत्याचार किया गया था। कहा गया कि दंगा भड़काने का काम मुख्तार अंसारी ने ही किया। इन दंगों के बाद साल 2006 में यूपी के वर्तमान CM और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दी कि मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन्हें मऊ में दोहरी घाट में रोक दिया गया था। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी, उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी। उस समय योगी आदित्यनाथ बाल बाल बचे थे। हमले से बचने के बाद योगी ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी। इसके बाद जब से योगी सूबे के CM बने हैं, तभी से उन्होंने यूपी में अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।